नमस्ते मैम, आपको लेट हो गया? ना, आपके का क्लास था, क्लास होने के बाद में। अच्छा, तो वहाँ पे आपके क्लास हो गया। मैं सर को बताता हूँ। हाँ, बताता हूँ। बैठे हैं आप? जी। रंजन, बैठ जाओ। जी जी। मुश्किल लग रहा है मुझे। आजकल आप उत्तरकाशी में शांतिपूर्ण योग विद्या गुरुकुलम में विराजमान हैं और आज यहाँ हमारे पीटीसी प्रशिक्षण में तनाव प्रबंधन के विषय पर एक अभूतपूर्व भाषण देने के लिए महोदय यहाँ पर विद्यमान हैं। मैं उपनिरीक्षक, उप महानिरीक्षक एवं निदेशक महोदय पीटीसी से अनुरोध करूँगा कि आप स्वामी जी को आज के उद्बोधन संबोधन हेतु आमंत्रित करने की कृपा करें। Dear friends, हमने कल ही स्वामी जी से अनुरोध किया था कि हमारे बीच में यंग ऑफिसर्स और हमारे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को आप अपना जो काफ़ी लंबा आपका अनुभव है और देश विदेश के बहुत सारे कॉर्पोरेट जगत के लोगों को आप बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल करके हमारे बीच में आ रही है। स्वामी जी ने सहर्ष हमारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया और आज हमारे बीच में है। साथियों, जैसा आप सब जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट या फिर आप जो नए हमारे साथी लोग जो EPO पद पर अभी कभी आपने ज्वाइन किया है, ये सारी सर्विसेज ऐसी हैं कि आपको हमेशा ही किसी न किसी तरह का तनाव रहती रहती है। सबसे बड़ा तनाव तो ये रहता है कि आपको अपने लिए कोई टाइम नहीं मिल पाता है, अपनी फैमिली के टाइम नहीं मिल पाता है। आप फील्ड में 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करते हैं, उसके बाद जब घर में आते हैं तो घर वाले फिर आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं कि आप, हमारे लिए तो आपके पास कोई टाइम है नहीं, आपको सिर्फ नौकरी करने से मतलब। तो जब दिन भर आप नौकरी में परेशान और घर में पहुँचो तो घर में परेशान, फिर हम सबकी लाइफ में एक अजीब सा तनाव पैदा हो जाता है। फिर हम उस तनाव को
कुछ तो अपनी फैमिली पर उतारते हैं और कुछ जो हमारी आम जनता जिसकी सेवा के लिए हम लोग बने हुए हैं तो उसकी सेवा के बजाय उसके ऊपर अपना तनाव को उतारते रहते हैं उसी के ऊपर तो हमारा काम सब खराब हो जाता है। पब्लिक भी हमसे दूर होने लगती है और घर परिवार भी हमसे दूर बहुत बड़ी बहुत जटिल समस्या होती है। मैंने स्वामी जी से यह अनुरोध किया है कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें कि हमारा स्ट्रेस जो इस टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से या सर्विस की जो कंडीशंस हैं उसके इस कंस्ट्रेंट की वजह से जो हमारे जीवन में तरह तरह के तनाव पैदा हो जाते हैं उसको कैसे दूर किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग धैर्य से स्वामी जी की बातें सुनेंगे और जहां आपको लगेगा कि कुछ क्वेरी करनी है उसको अभी स्वामी जी बताएंगे वो बीच में आपकी क्वेरी के समाधान करेंगे या फिर अपना बातें खत्म करने के बाद क्लास में करेंगे। तो मैं आप स्वामी जी और आपके बीच में ना आकर कुछ मैं उम्मीद करता हूँ स्वामी जी मैं स्वामी जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे सभी ट्रेनीज को हमारे सभी ऑफिसर्स को इस जीवन के महत्वपूर्ण विषय पर अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। Respected DIE sir and all the faculty members, officers, young officers and training sub-inspectors. कभी कभी मुझे हिंदी आता है आती है so now you can understand how far I am in Hindi but I try my best to speak in English. So, is it okay? Thank you very much.
of course till the PowerPoint comes, I would like to say something. So don't look at my Hindi grammar, okay? But I'll try my best to communicate करने के लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? पहले देखिए, आप इधर क्या देखते हैं? जी? Okay. Please, please. Because you all are in investigation team. आज पूरा सेशन इसी क्लास में होगा. Because basically I am a trainer to many companies and many universities. I do go to address on different training. So now let us look at this class. इस क्लास में क्या है जी? पानी. मतलब सिर्फ पानी है और कुछ है? ठीक है, बहुत अच्छा है. और कुछ है? ओके, नेक्स्ट स्टेप. विल यू प्लीज टेल मी व्हाट वुड बी द वेट ऑफ दिस क्लास जी? अप्रोक्सीमेटली Thank you. How heavy is it? Next question. How heavy is it? Is this question mein kuch, please try to understand, there is something trick. This is a tricky question, theek hai? Please. How heavy is it? Ji? Come on, please. I want interaction, okay? Because today, it's a stress management, you don't have to worry at all, okay? Please come on. How heavy is it? The heaviness, the ocean, pani pe depend karta hai aur us factor pe depend karta hai. Time. That's very good, okay? We come to the point now. The ocean, whatever the heaviness we say, it does not depend upon the water at all. Do you agree or not? इसी क्लास को हम क्या करेंगे? मैं आपको बताऊंगा. दो दिन के लिए पकड़ते हो. क्या करेंगे आपको? ये जो 200 ग्राम का पानी होगा, दो ज्यादा से ज्यादा क्लास के लेकर ये 200 होगा और 200 उल्टा हो जाएगा आपके लिए. So that means it completely depends upon how long you are holding. Okay? I express management. How to sustain the thoughts that we all have? Does it create stress? Or we are holding on the same thought for a length of time, creates stress. दोबारा बता रहा हूं. जो कुछ हम सोच रहे हैं वो भावना हमको स्ट्रेस देता है और होल्डिंग ऑन टू वही भावना बार बार आता है वो स्ट्रेस देता है. Is it clear now? Now tell me, who is the cause of stress? You, me or other? Is it clear all of you? Stress का कारण क्या है? दूसरे लोग, परिस्थिति और ये क्या होगा? I am the main culprit of my stress. Is it clear? जब भी स्ट्रेस है that time it is me and me. Because we all, there are different
डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट जनरली आई डू हैंडल कॉल्ड सबकॉन्शियस मैनेजमेंट. आई डोंट वॉन्ट गेट इन टू टेक्निकल टू मच. आप सब तो मालूम ही पावर पॉइंट में लिखा है स्ट्रेस बाई दीज आर द पॉइंट्स. बताने का कोई जरूरत नहीं. हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, हाई ब्लड प्रेशर है, जो कुछ आप चाहते हैं ऐड कर सकते हैं. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. जो भी चाहे आप ऐड कर सकते हैं. लेकिन क्या करेंगे जब आपके पास स्ट्रेस होगा, आप क्या कर सकते हैं? जनरली व्हाट जनरली डू आई शो यू द नेक्स्ट. दो तीन स्लाइड ज्यादा नहीं, ठीक है. देखिए दिस इज द यूजुअल वे ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस. क्या है देखिए, द की टू द स्ट्रेस मैनेजमेंट इज नोइंग हाउ वेन योर फ्रस्ट्रेशन. हाँ, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं. जब मान लीजिए आप कुछ ऑफिस में स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कहां जाएगा? घर में जाएगा, नहीं जाएगा? जरूर जाएगा. घर का स्ट्रेस कहां आएगा? इज इट सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन है, फिर भी हम करते हैं, नहीं करते हैं? फिर भी हम करते हैं. अच्छा ठीक है, समझ आप बताते हैं नहीं, तो फिर क्या करेंगे? मैं जा रहा हूँ यूजुअल मेथड के बाद में आएंगे. ये सब कॉन्शियस मैनेजमेंट है, लेकिन हम सबकॉन्शियस मैनेजमेंट के बाद में आएंगे. मैं सीधा नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा. गुड, नेक्स्ट स्लाइड. सो दैट विल कम. थैंक यू. नाउ इज अनदर ऑप्शन. सो यू गो टू अ डॉक्टर. सो व्हाट डॉक्टर सेज, यू नीड स्ट्रांग मेडिसिन टू रिलीव योर स्ट्रेस. दैट्स व्हाई आई एम सब्सक्राइबिंग ए पॉपी. What does it mean? मतलब यह कि आपका माइंड को डाइवर्ट कर रहा है, थोड़ा डाइवर्ट कर लेंगे, हॉलीडे ले लेंगे, और कुछ मेथड ऐड कर लेंगे. कोई कई लोग स्मोकिंग कर लेंगे, हर नया नया हॉबी बना लेंगे, बस थोड़ा स्ट्रेस कम हो गया. ये होता है, नहीं होता है? मैं तो ये देखता हूं. Now tell me, is it solution? ये solution नहीं है, क्योंकि मैं इसी तरह थोड़ा टाइम बातचीत करूंगा तो आप लोग का स्ट्रेस हो जाएगा. स्वामी जी कब तक आप ऐसे बताते रहेंगे? प्लीज विल यू प्लीज मेक अ मूव सो दैट वी विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द स्ट्रेस. डोंट वरी, बट रिमेंबर बेसिक पॉइंट्स याद रखिए बस, एंड यू हैव टू हैंडल योर ओन स्ट्रेस. क्यों? इसलिए नेक्स्ट स्लाइड हम आएंगे टेक्निशियन पे. यह है पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस. वेरी सिंपल, याद रखने के लिए, डोंट ब्रेक योर हेड टू मच. स्ट्रेस इज ए कंडीशन. एक एक लाइन हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक एक वर्ड. स्ट्रेस इज ए कंडीशन और फीलिंग. मतलब है कि ये मेरा सोच है, स्ट्रेस कुछ नहीं है. मैं सोचता हूं ये स्ट्रेस है, लेकिन ये स्ट्रेस कुछ नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए जो स्ट्रेस है मेरे लिए स्ट्रेस नहीं. जैसे जब मैं अभी टॉक दे रहा हूं एंड यू आर नॉट एंजॉयिंग, इट इज स्ट्रेसफुल फॉर यू आर नॉट? जरूर होगा, लेकिन मेरे लिए प्लेजरेबल है. एक ही सिचुएशन किसी के लिए प्लेजरेबल है और किसी के लिए स्ट्रेसफुल है. सो इसीलिए जब भी स्ट्रेस है हमको यह मानना पड़ेगा ये एक कंडीशन है. जब एक कंडीशन है मतलब क्या है, ज्यादा दिन तक ये नहीं रहेगा, ज्यादा टाइम तक ये नहीं रहेगा. लेकिन हम क्या करते हैं उसी टाइम, जब भी स्ट्रेस है हम सोचते हैं आसमान गिरने वाला है, कभी भी गिर सकता है. जब
ये सोचने हम लगे कि आसमान गिरने वाला है, गिरेगा तो क्या करेंगे हम? डू वी कॉम्प्लिकेट आवर स्ट्रेस ऑन गॉड? तो इसलिए सबसे पहले क्या करना, जब भी आपके स्ट्रेस है कोई दिक्कत नहीं, होने दो, आने दो, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं। जब आप ह्यूमन बीइंग के आपके पास स्ट्रेस नहीं आएगा तो क्या स्टोन पे आएगा, पत्थर पे स्ट्रेस आएगा? So, हमको स्ट्रेस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होगा कि ये सोचना होगा कि स्ट्रेस बीइंग ए कंडीशन, देन इट इज ए और फीलिंग एक्सपीरियंस, ये आपका अनुभव है, ये मेरा नहीं और किसी का नहीं। जब ये मेरा अनुभव है, अनुभव कैसे आता है? डोंट डिस्टर्ब टू मच, गेट आउट, सॉरी। सो अनुभव कैसा आता है? अनुभव अगेंस्ट द एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बैक्ड अप द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव। अभी जो मैं अनुभव करता हूं कैसे, किसी आधार पे अनुभव आप करते हैं, आपके पास जो ज्ञान है, बिना ज्ञान के आप अनुभव कर सकते हैं, कीजिए। इसलिए देखिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं टेलीविजन पे, एक्चुअली आई एंजॉय सीइंग फ्यू थिंग्स, हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर ऑब्जर्व, नॉट सीन, हैव यू एवर ऑब्जर्व द चाइल्ड टेकिंग फर्स्ट टाइम चॉकलेट? बट आई हैव स्पॉइल्ड मेनी चिल्ड्रन इन दिस रिगार्ड। ओके, बच्चे को चॉकलेट कुछ मालूम नहीं है, आप पहले बार चॉकलेट दीजिए, बच्चा चॉकलेट लेगा नहीं लेगा, कोशिश कीजिए। तो क्या करेंगे आप? उधर बच्चा का मम्मी को देना चाहिए, जब मम्मी लेगा वो एक्सप्रेशन करेगा, नाउ द चाइल्ड इज डू नॉट ट्यून विद द मदर, ओ मम्मी बजा लेते हैं, मतलब ये अच्छा है, मम्मी नहीं का और छोटा बच्चा है उनको दे दो, जो चीज जिसको मालूम है चॉकलेट बैग में, वो मजा लेता है, बस क्या होगा, मतलब चॉकलेट मजा है। और उसी दौरान क्या करेगा, वो चॉकलेट को लेने के लिए, खाने के लिए वो बच्चा कोशिश करेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम व्हेन ही पुश द चॉकलेट इन द माउथ, पहले बार क्या करेगा, द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस यू कैन सी इट्स वेरी फनी, प्लीज ऑब्जर्व, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व। बाद में क्या होगा, एक बार दो बार तीसरा बार क्या होगा, आपको चॉकलेट नाम सुन के भी उनका इतना इतना हो जाएगा, कहां चॉकलेट है, मुझे अभी चाहिए चॉकलेट। सो कैसे एक्सपीरियंस आया, इंफॉर्मेशन के आधार से, ज्ञान के आधार से। सो दैट मीन्स व्हेनेवर आई फील स्ट्रेस, दैट इज ए बैकग्राउंड, मेरा पीछे क्या है, मेरा अतीत है। हाँ, मैं बिना अतीत के आधार आपका स्ट्रेस होगा, कोशिश कीजिए, डिफिकल्ट। सो दैट मीन्स इफ आई एम मोर स्ट्रेसफुल, माई पास्ट इज नॉट दैट ग्रेट, क्लियर? छोटे छोटे चीज से मैं स्ट्रेस होता हूं, मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ मेरा अतीत को लेकर गड़बड़ है, और जब अतीत को लेकर गड़बड़ है तो क्या होगा, डेफिनेटली आई बिकम स्ट्रेसफुल फॉर नो रीजन। बाद में हम लेंगे क्वेश्चन आंसर में, then he says, look, why and when it happens, when a person perceives, so the word perceives explains, buddhu aadmi ko stress nahi hai, only buddhiman, theek hai, unko hi stress aayega, matlab you need to be a man or woman of understanding, sab knowledge to hona chahiye, आप कंप्लीट बुद्धू है तो कुछ नहीं होने वाला।
विद दैट यू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस. सो मतलब ये कि जब भी स्ट्रेस है मतलब आप ज्ञानी है, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन. सो यू नो दैट टाइम व्हाट यू डू पैट योरसेल्फ, ओके, बट फील आई एम इंटेलिजेंट. Then comes what? This is the most important thing. Demands exceed the personal and social issues. जब भी स्ट्रेस है आपका पास ज्ञान है और क्या ज्ञान है, दूसरे लोग का डिमांड ज्यादा है. हो सकता है आपका फ्रेंड, परिवार, ऑफिस, सोसाइटी, कुछ ना कुछ, और वो लोग इतना डिमांड कर रहे हैं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है. That's why next thing is exceed the personal and social resources. Next thing कोई पूरा नाम नहीं पूछे बात करेंगे. Sorry, आप तब तक no. Definition. Thank you. So exceed the personal and social resources. ये सबसे बड़ा चीज है. So when I come to a conclusion, means it's a conclusion. कि मैं कर नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए ये impossible है. It is out of my way, but I don't have any choice. ये आपका कंक्लूजन में जब भी आप स्ट्रेस में, विदाउट कंक्लूजन आई कैन रन, यू नो, चैलेंज यू हियर, विदाउट ए कंक्लूसिव आइडिया यू कैन नॉट हैव स्ट्रेस. ट्राई, जब भी स्ट्रेस है आपके पास, आप कंक्लूजन में आ गए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल है, मैं क्या करूं, मैं इसी स्थिति में फंस गई. तो जब ऐसे सोच आपके मन में फिक्स हो जाएगा तो आप स्ट्रेस नहीं होंगे तो क्या मैं हूं? डेफिनेटली नॉट. सो दैट्स व्हाई देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम नॉट एबल टू मोबिलाइज. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मैं मोबिलाइज नहीं कर पाऊंगा. जब मैं एक कंक्लूजन में आ जाऊंगा कि मैं कभी मोबिलाइज नहीं कर पाऊंगा तो बताइए क्या होगा, मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, बस आ गया स्ट्रेस. और एक बार स्ट्रेस आ जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं? आई एम द पपेट ऑफ माई स्ट्रेस. Can you see this point? ये मैं स्ट्रेस तैयार किया, अभी क्या हो गया, वही स्ट्रेस मुझे खा रहा है. इट्स एग्जैक्ट लाइक सॉल्ट, और पहाड़ में और ज्यादा भी काटे. सो वी एंजॉय सॉल्ट. फाइनली सॉल्ट एंजॉयज आवर बॉडी और नॉट. नमक, पहले नमक अच्छा लगता है, क्या है बिना नमक में क्या है. और हम साधु महात्मा लोग क्या बताते हैं, नमक का नाम अलग है. पहले बार में जब ऋषिकेश आया मैं बता रहा हूँ, 30 साल का काम करती है. सो मैंने किसी को बताया वो चाहते हैं नमक. नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलिए, हमारा एक भाषा अलग है, राम रस. वो बताएंगे राम रस ले आइए, राम रस ले आइए, राम रस और लक्ष्मण रस, भाई नमक है नमक है. आप जिस नाम से ले सकते हैं, हमारा कहीं लेना देना नहीं है. सो मैं क्या बताने के लिए चाहता हूं कि नमक पहले अच्छा है, बाद में वही नमक क्या करेगा, इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर बॉडी. सो इसी पर क्या होता है कि स्ट्रेस वी क्रिएट, हम पैदा करते हैं ऑफकोर्स विदाउट आवर नॉलेज. सो व्हेन वी क्रिएट
Now I am a victim of my stress. हाँ अभी जब भी देखिए अच्छा स्वामी जी ठीक है ये सब तो ठीक है हमको मालूम है आप क्यों ये सब बता रहे हैं फिर ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं बताइए रिलीफ कैसे होगा रिमेंबर नेवर एवर लुक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस पहले ये समझना चाहिए कि जीवन में स्ट्रेस होना चाहिए आप लोग जिस जगह पे है यू हैव अचीव विद स्ट्रेस और विदाउट स्ट्रेस बी ऑनेस्ट स्ट्रेस के साथ और बिना स्ट्रेस आपके पास स्ट्रेस नहीं है तो आप पता नहीं कहां बैठने वाले थे किस लेटने वाले थे You must might be sleeping somewhere now. Do you agree with me or not? मतलब आप जिस जगह पे हैं, जो कुछ अचीवमेंट किए स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस इज हेल्पफुल स्ट्रेस इज यूजफुल बिकॉज इफ यू डोंट पुट योर सेल्फ इन टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन योर माइंड विल टेक यू फॉर फैंटास्टिक राइड और एक बार मन आपको राइड पे ले लेगा तो क्या होगा जैसे होगा आप ड्राइविंग करते हैं पहाड़ में अच्छा मैंने देखा कभी और जब व्हेन यू आर कमिंग डाउन आप ब्रेक अप्लाई करेंगे लेकिन ब्रेक काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे आप ब्रेक इज नॉट वर्किंग बट यू आर गोइंग डाउन हाउ पेनफुल इज इट लेकिन आप स्मार्ट थे तो मैनेज कर सकते हैंड ब्रेक के साथ नहीं तो गियर के साथ जैसे हो कुछ डिस्टेंस आप मैनेज कर सकते हैं लाइक दैट स्ट्रेस सो यू मस्ट हैव सम स्ट्रेस दिस इज द फर्स्ट पॉइंट डोंट वरी अबाउट स्ट्रेस एट ऑल व्हेनेवर स्ट्रेस इज देयर फर्स्ट Accept it. Why I'm using this word? Please understand this point. Whenever there is stress, you look acceptance. Yes or no? Socho. आप जो करते हैं, whatever you are doing it, you are doing this only for 3 to 4 people in your life. Some people may be 5-6 people. हाँ अभी हो सकता है पिताजी माता जी बहन भाई और कोई बंधु बांधवी एंड वट एवर यू डू ऑलवेज यू वॉन्ट टू गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम देम ऐसा नो हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आई एम नॉट गेटिंग द फील डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट मान लीजिए जब ड्रेस अब होता है जब न्यूज आ गया आपका कि आप का ये कंप्लीट हो रहे हैं कि आप लोग जो यंग ऑफिसर्स विथ यू गॉट द जॉब उनका ट्रेनिंग नाउ व्हाट हैपेंस इन योर माइंड हाउ मेनी पीपल कम फर्स्ट यस आई कुड प्रूव इट आई कुड गेट इट कितने लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा 4-5 होंगे ज्यादा नहीं होंगे सो ऑलवेज आप अप्रूवल चाहते वही 4-5 लोग से जीवन में हो सकते हैं पिताजी माताजी कोई भी कोई होगा 4-5 ज्यादा नहीं और वही 4-5 लोग जब आपको एक्सेप्ट नहीं करते करेंगे व्हेन दे डोंट एक्सेप्ट यू व्हेन दे डोंट अप्रूव यू इवन इफ यू हैव एवरीथिंग स्टिल यू बिकम स्ट्रेसफुल डज इट हैपन कभी सोचा है जीवन में तो मतलब ये जब मेरा स्ट्रेस है सिर्फ 4-5 लोग को लेकर एक बार कोई बताया थोड़ा जोक में आ रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं आपको सीरियस हो गई इसलिए कोई बताया घर में एक्चुअली यू नो एवरी हाउस देयर इज यू नो फाइट एंड विदाउट फाइट देयर इज नो हाउस
especially wife and husband, okay? There should be something. It must, which is healthy. So, एक बार आदमी बताया हमारे घर में फाइट नहीं होता है क्योंकि हमने डिवाइड कर दी. मैं क्या क्या डिवाइड कर दिया? एक्चुअली मेरा काम अलग है और मेरा बीवी का काम अलग है. अच्छा क्या क्या है? बीवी सोचता है छोटा बड़ा चीज और मैं सोचता हूँ बड़ा बड़ा. अच्छा क्या क्या आप क्या सोचते हैं? मेरा काम है, देखो बीवी का काम है, मैं पहले बता रहा हूँ काम. बीवी का बीवी सोचता है घर कैसे चलाना है, ये क्या करना है, कैसे करना है, कर सकते हैं. और आपका बड़ा मतलब internationally how Canada and America are going to, you know, lead their lives. अब जो वार होगी वार क्या होगा क्या नहीं होगा. कभी कभी इंडिया में भी नहीं सोचता हूँ क्योंकि इंडिया में सोचता हूँ फिर मेरी बीवी आ जाएगा बीच में, ठीक है, मैं इंडिया में छोड़ देता हूँ. जो कुछ भी सोचते बड़ा बड़ा चीज है. चंद्रयान के बाद और क्या क्या नहीं रहेगा, कैसा होगा क्या नहीं होगा, बस हमारा काम नहीं है. यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? सो इसलिए हमको क्या करना है? सो जब भी स्ट्रेस है वी नीड टू बी केयरफुल बिकॉज आई स्टार्टेड विद दिस. वजन के लिए द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज इन द ग्लास doesn't create problem for me, but how long I am holding, making big tank of water system, मुझे क्या करना है? बीच में हो गया. Then how to do here in day-to-day life? हम रोल में फंसे हैं. हाँ नहीं, आप पुलिस ऑफिसर हैं, लॉ ऑफिसर हैं, अपना अपना वो है. जब आप घर में जाते हैं, पिताजी होकर जाते हैं, माताजी होकर जाते हैं और बेटी की स्वामी पत्नी होकर जाते हैं और ऑफिसर होकर जाते हैं, बताइए फैमिली पर्सन मैम घर का पूरा फ्रस्ट्रेशन, ऑफिस का पूरा फ्रस्ट्रेशन घर में जाता है. जाता है कि जाता है? जरूर जाता है. प्लीज डोंट टेल मी लाइज, ओके? दैट्स व्हाई यू कैन सी द फैमिली. एंड ऑफ कोर्स घर का फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में आता है. इट इज इंटर रिलेटेड. मुझे कोई बताया थाने में थानेदार आज गुस्सा में क्यों है? क्योंकि बीबी के साथ लड़ाई करके आए. बताइए जब बीवी के साथ लड़ाई करके आए और थाने में क्या करेंगे? किसी को बात सुनने के लिए तैयार नहीं. ये एक इंस्टेंट नहीं है कि आपको भी मालूम होगा, बताने की आपको जरूरत नहीं है. सो दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर वी आर वेडेड टू ए गिविंग रोल व्हिच इज कंफर्टेबल. हाँ भाई, जब पिताजी का रोल कंफर्ट देगा आप पिताजी होंगे, माताजी का रोल कंफर्ट हो देगा आप माताजी होंगे, ऑफिसर का रोल कंफर्ट देगा तो आप ऑफिसर होते हैं. कभी कभी पुलिस ऑफिसर मैंने देखा घर में भी, जैसे बताते हैं ना, जैसे आर्मी ऑफिसर, वो बताएंगे मेरा पिताजी आर्मी ऑफिसर, मतलब क्या है कि घर में भी वो पिताजी नहीं है आर्मी ऑफिसर. कभी कभी ये सुने और कब नहीं सुने इस बारे में? मैंने तो सुना. विद आई गेट ऑल कंप्लेंट्स. सो इन शॉर्ट I am wedded to a role of, and I like to play that role all the time. कभी कभी क्या करना चाहिए मुझे? वो रोल से बाहर आना चाहिए. जब भी स्ट्रेस है, जब भी, the first rule is what? This is the glass I'm showing again and again. When it is painful, what should I do? Instead of complaining, instead of grumbling, I need to keep the glass in a right place. Remember this. Glass को सही जगह पे सही रूप से रखना होगा, नहीं तो drop कर दूंगा, नहीं तो गिरा लूंगा, नहीं, that's not allowed.
वही स्ट्रेस का साइड इफेक्ट है। जब भी स्ट्रेस है ग्लास को मुझे रखना चाहिए सही ढंग से, सही रूप से, सही जगह से पास, फिर जब मन है फिर पकड़ने का कोई दिक्कत नहीं। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू लुक एट द स्ट्रेस यू नीड टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स। Now, these are the points to go on, come across. Remember, it is not what we come across in our life, but how we look at a given situation. जीवन में आप क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, क्या होता है, ये बड़ा चीज नहीं है, लेकिन how you manage to look at, आपका दृष्टि क्या है? क्योंकि आपका दृष्टि जैसा है इसी हिसाब से सब कुछ प्रत्यमान सब कुछ दिखाई देगा। दैट्स व्हाई डोंट कंप्लेन अबाउट अदर्स बट लुक एट योर वे ऑफ लुकिंग। एंड सेकंड पॉइंट, रिमेंबर रिलेशनशिप इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन। गलत। भगवान कृष्ण मतलब गलत बताए। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे भगवद गीता, उनका एक्सप्रेशन तो इतना था, क्या था? ओ अर्जुन मेरे बात सुनो। He at least expected minimum things. ओ अर्जुन may you listen to me. जब अर्जुन मेरे बात सुनो ये एक्सपेक्टेशन था, वो कैसे बताए कि कर्म करते रहो बिना एक्सपेक्टेशन के? भगवद गीता में कहीं ये बात नहीं आई। There is no sentence that talks do your duty, do not expect any result. ये गलत बता गया। That's why people think, oh, religious is different and scientific is science is different. Please, ये ऐसा नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कोई स्टेटमेंट को गलत रूप से बता गया। There, it is not being said, do your duty, do not expect any result. It is being said, why? That, as a karta, remember, as a doer, you have right over action. Not result, not right over result of action. Jaise, क्योंकि कोई कहीं सो रहे थे, सो, ठीक है? फिर भी सो रहे हैं, अच्छा है। ये भी अच्छा है क्योंकि सबसे मजा है कि ना जब लेक्चर होता है सोने का जो मजा लेक्चर में और कहीं जाएगा भी नहीं। ठीक है, आइए। ये जो क्लैपिंग ये एक्शन है और नहीं है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज क्लैपिंग कीजिए प्लीज। Clapping being an action, क्योंकि मैं दो तरीके से समझने के लिए टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल्सो टू चेंज योर माइंड। ओके, बहुत नाउ क्लैपिंग being an action, आप क्या किए? आप जिस ढंग से चाहिए वो किए, कोई लोग भी नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कर्मा, रिमेंबर उसे कर्तुतंत्र डिपेंड्स अपॉन द कर्ता। यू मे डू यू मे नॉट डू बट द वे यू वांट यू गेट, बट एक बार क्लैपिंग हो गई। क्लैपिंग करने के बाद डू यू हैव एनी कंट्रोल? आवाज पे आपका कंट्रोल है? वो
वही बता गया भगवद गीता। लेकिन हम क्या करते हैं, they're just saying that we put cart before the horse। So इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसलिए थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, the relationship is always based on expectation। बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ नहीं, मैं भी आपके साथ अभी एक्सपेक्टेशन है, एटलीस्ट प्रिटेंड टू लिसन टू यू, आप नहीं सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सो के भी प्रिटेंड कीजिए, हाँ आप सुनते हैं, जब टाइम हो जाएगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो यू ऑल्सो एक्सपेक्ट, स्वामी जी प्लीज एज ए स्पीकर यू रेस्पेक्ट योर टाइम, ओके, सो दैट यू गो फॉर द फूड। देन इज अ ट्रुथ, in order to maintain relationship, one doesn't have to fulfill other's expectations. This is the most important thing. Main thing is, I am aapka jo expectation hai fulfill karenge. Parivar ki office mein bhi maaf kijiye. You are not supposed to fulfill other's expectation. Kyun? आप एक्सपेक्टेशन अदर्स का फुलफिल करेंगे तो उनका दूसरा पार्टी का एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगा, नहीं है? कैन यू फुलफिल? देखो कभी भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए दूसरे फुलफिल दूसरा एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए कोशिश मत कीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन रिमेंबर One can live up to others' expectations. ये लाइन सबसे बड़ा चीज है। Most important line is this: that one must, not can, later must. One must live up to others' expectations. As a speaker, धन्यवाद. So as a speaker. I expect something आपको से, आपकी मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन है, मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा, ठीक है? लेकिन क्या होगा कि जब मैं इधर आया हूं साथ बुलाए, आई हैव टू लीव अप टू हिज एक्सपेक्टेशन, क्योंकि बता मैं स्पीकर हूं, मैं स्वामी जी हूं, मैं जो चाहूं बता सकता हूं, मैं इधर करता हूं वो करता हूं वो करता हूं। So in life, जीवन में किसी का एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने का कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है पति पत्नी, आपका बॉस हो सकता है, सरकार भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूं साफ साफ, ये द बेसिक पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज एज एन ऑफिसर। किसी का एक्सपेक्टेशन को पूर्ण करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन यू नीड टू लिव अप टू अदर्स एक्सपेक्टेशन। और ये लाइन आपको समझ में आ जाएगा, यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन, एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्माइलिंग। और उसी टाइम प्लीज रिमेंबर, और जैसे यू कैन वर्क टू लिव एंड नॉट टू लिव टू वर्क। आप क्या करते हैं, आपका जीवन क्या है, आप क्यों बन, यू लिव टू वर्क, एक आदत है। So, इसीलिए जब भी स्ट्रेस है, एक चीज याद रखिए, भगवान दो काम दिए हैं, कैसे दिए, पारा लगे इधर उधर नहीं है, हो गया मालूम, होने दो जो होने, और आसमान गिरने वाला नहीं। विथ दिस आई शुड स्टॉप टू टेक फ्यू क्वेश्चन आंसर फ्रॉम यू। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, चाहे। एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वी फॉलो, फॉर एग्जाम्पल से वी हैव लॉट ऑफ आसन्स एंड प्राणायाम्स विच इंस्टेंटली रिलीव द स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ आई स्पेंड लाइक नो 30 मिनट्स विथ यू ऑल, आई कैन मेक यू टू स्नोर।
means you can relax. So there are, you know, in pranayama we have lot of tricks and techniques. So I am not getting into that. However, please, please ask any question. Question hai to puch sakte hain, please. 100%. आप कैसे उसको टैकल करते हैं? Thank you very much. Because if I say I don't have stress, that means I am lying to myself. हम बता दें, don't take it seriously. If you don't have stress, or you do not know what is stress, travel in air India and make sure you are transiting daily. You will understand what is stress. Really, this is a very best case. I have seen many things. For no reason, you will have stress. But now the question is, whenever there is stress in me, I long to excel. सांस छोड़ने का टाइम इंपोर्टेंस दे रहे हैं आप लेने का टाइम यस लेने का टाइम क्या है छोड़ने का टाइम किसके आ रहे हैं कोई याद पता है एक बार आप बी ऑनेस्ट मैं गलत एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट इट हिट योर हेड ओके For 1 day, 2 days, because of constipation, will you be able to eat food? Hamari bhai, kyun? It jab nahi jayega to kaise khayenge? Source of breathing. When you exhale properly, you'll be able to inhale. सांस छोड़ना जी सबसे बड़ा चीज है आप तो लेते रहेंगे आपका सांस तो लेते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं एंड व्हेनेवर वी आर स्ट्रेस्ड आवर एक्सेलेशन इज शॉर्टर ये ट्रिक है सो द इंस्टेंटली इफ यू वांट टू रिलीज योर स्ट्रेस फोकस ऑन योर एक्सेलेशन And the ratio is 1:2. जब आप इनहेलेशन करते हैं लेते हैं लेने का टाइम एक काउंट होगा तो एक्सेलेशन का टाइम दो काउंट होना चाहिए मतलब 4 सेकेंड तक आप लेते हैं तो छोड़ने का टाइम 8 सेकेंड 1:2 8 सेकेंड तक आपको छोड़ना चाहिए So the best remedy is focus on exhalation. Thank you. Next. Stress for long duration can lead to depression, and stress for some time can lead to higher performance. So can you please tell what is the difference between these two things? Fantastic. See. That's a beautiful point. हम ये बताए थे स्ट्रेस होना चाहिए आप लोग जिस स्टेज पे है मान लीजिए द प्लेस यू आर हियर टुडे बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस लेकिन व्हेन यू बिकम हेल्पलेस विद रेफरेंस टू योर स्ट्रेस आपका ये सबसे बड़ा चीज है द मोमेंट आप हेल्पलेस हो गए मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रही आगे क्या होगा When your helplessness increases, that only leads to depression. जब तक helpless नहीं आए, जब तक you don't have to worry at all. I'll give you a beautiful example. If you observe the accident that happens on the road, if I'm correct, please. If I'm wrong, please correct me. Okay? Because I'm entering in your area, okay? So that's why I have to be careful. Any
accident that happens on the road, is it because of wrong driving or because of panic attack? Please. Maximum is panic attack. Very rarely, maybe wrong driving, maybe. Even if people are getting drowned in the water, not because water drowned them, no, it is because of panic attack. I'm giving the clue here, okay? So also, when मुझे ये समझ में आ गया कि लोगों स्ट्रेस है, मुझे मालूम है मैं क्या करूं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सो देन व्हाट हैपेंस, इट स्टार्ट्स ड्रेनिंग माय एनर्जी. जब मेरे पास एनर्जी नहीं है तो क्या होगा, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा. डिप्रेशन का मतलब है कि मेरे पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं है. थैंक यू. Yes, this is a very practical question. Imagine, if you come to the office in a smiling way every day, your colleagues first will take you for a ride. छोड़ो दूसरे लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए, ठीक है, but remember, these are the myths. जैसे बचपन से हम ये सिखा रहे हैं, ये हमारा पिताजी माताजी का गलत है, पता नहीं वो कहां से सीखे. जब तक आवाज ऊंचा नहीं है तब तक मेरी बात कोई नहीं सुनेंगे. दिस इज मिसकंसेप्शन, दिस इज मिथ. बिकॉज आई नीड टू एक्सरसाइज माय ऑथोरिटी, करेक्ट. मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूं, कब आप आपका ऑथोरिटी एक्सरसाइज करते हैं? Do you know? That time you exercise your authority when you know you are weaker. आपको कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे. This is the most important point to observe. I'll come to your question, little diverting. बचपन में भी हमने देखा. This is the objection I see. Suppose if I ask some question to father, and father is not able to answer, क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान नहीं बता रहे थे, वो क्या करेंगे? He will not accept his, you know, helplessness or inadequacy. वो क्या करेंगे? Hey, अभी ये प्रश्न पूछने का क्या टाइम है? जाओ पढ़ाई करो. ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब क्या है, वो एक्सरसाइज करते हैं उनका अथॉरिटी, इसीलिए उनको मालूम है उनके पास ज्ञान नहीं. सो इसीलिए जब भी वेन एवर वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल इन ऑफिस स्पेशल, वी ट्राई टू एक्सरसाइज आवर अथॉरिटी. वो गलत है. I always use the word, when you exercise your authority unnecessarily, you are abusing your authority. Very thin line, I'm sorry to say, getting into your field, with due respect. Whenever you are exercising your authority unnecessarily, it's the most important word, unnecessarily, you are abusing your authority. और किसी का अधिकार नहीं है अब्यूज करना, वो क्रिमिनल ऑफेंस है.
सो इसीलिए जब घर में जो कुछ होता है इन माई पर्सनल लाइफ वट एवर आई गो थ्रू वेदर इज हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस इफ इट इज हैप्पीनेस मस्ट बी एक्सपेक्टेड नथिंग रॉन्ग विद इट व्हेन इट्स अनहैप्पीनेस मूड कम्स दे आर व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू कंपोज माईसेल्फ एंड इसीलिए क्या करना पड़ेगा हो सकता है हु यू लाइक इन द ऑफिस वन ऑफ द पीपल विल बी देयर एट लीस्ट वन पर्सन Be closer to that person. If nothing happens, even if you're afraid of somebody whom you like, just talk to the person from whom you can get some good energy. Once we let them meet, one hello word is enough. That becomes a break, and I'm sure that division. And I'm your man. Thank you. Yes, please. Sir, हमारे जीवन में कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं पर जैसा आपने कहा कि हर संबंध की एक अपेक्षा होती है कि यदि वह अपेक्षित ना हो तो हमें उनसे हमारा चित्त उनमें नहीं रहता हम उनसे दूर पर सामाजिक बंधन के कारण हम उनसे दूर नहीं जा सकते तो ऐसे में मन में आए द्वंद्व को आप कैसे कंट्रोल करें अचानक हो जाने वाले उस स्ट्रेस को कि अब मुझे इन्हीं के साथ ही रहना है बट इनका चित ये मुझे पसंद नहीं है तो ऐसे में कोई व्यक्ति क्या करे थैंक यू वेरी मच सी एज वी हैव डिस्कस्ड लाइक इज फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप द अदर नेम ऑफ द रिलेशनशिप संबंध का अर्थ है सी एक्सपेक्टेशन ऑफ यू जब तक एक्सपेक्टेशन है सर जब तक आई एम एबल टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन दैट फ्रॉम यू डिड इट और यू हैव थिंकिंग दैट आई मे डू इट जब आपको पता चला जाए कि ये उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है कुछ नहीं करने वाला है जा रहा आजकल सबसे अच्छा संबंध है जो पिता पुत्र और माता पुत्र वो संबंध आजकल टूट रहे हैं और दूसरा संबंध बारे में क्या बताएंगे इट्स वेरी फनी वर्ल्ड नाउडेज But your question is very sensitive, so that's why I'm trying to talk this point. मान लीजिए मैं इधर आया मैं मेरा एग्जाम दे रहा हूँ मैं इधर आया आप लोगों को मैनेजमेंट पर टॉप देने के लिए मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेशन और कुछ ज्यादा हो गया मेरे समझ में नहीं है मुझे क्या करना चाहिए सिंपल आई एम सॉरी आई एम नॉट ठीक है उसी टाइम जब मैं बताऊंगा हो सकता है तो आप लोग अपसेट होंगे कि मेरा सेल्फ इमेज थोड़ा कम हो जाएगा फर्क क्या पड़ेगा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इफ आई डोंट If I don't acknowledge my limitation, क्या होगा बाद में? Now I will be thinking that all the time. That will drain my energy, and I will not be able to perform anything in my life. Nor I will relate with anybody in my life. So सबसे बड़ा चीज क्या करना है? Whenever these sort of things arises, acknowledge your limitation. Polite, express. Even if you are misunderstood, don't do it. That is the method. Of course, there are some escapism methods there. Or you can say relief method. We call it relief method, but that is actually escapism, which is not healthy in long run. Now tell me, between these two words, sorry and thank you, which one is more powerful? Thank you. Any question or we'll stop? Any question? Yes, please.
जी आजकल जो सबसे बड़ी समस्या एक्सप्रेस की है उसमें क्या है कि सोते वक्त रात के समय अनिंद्रा को कैसे दूर किया जाए और उस टाइम में अनावश्यक विचार, दूसरा पढ़ाई करते समय भी अनावश्यक विचार जो आते हैं मन में, पर ध्यान को कैसे केंद्रित किया जाए और रात्रि सोते वक्त कैसे मतलब अनिंद्रा से बचा जाए जिसका कारण क्या होता है उसी टाइम का लाइफ कंप्लीट था मेरे हिसाब से अच्छा था। सो फर्स्ट थिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड आई एम यूजिंग फोन फॉर ए पर्पस। जैसे आप ऑफिसर लोग होंगे यू डोंट हैव चॉइस विदाउट फोन। लेट अस मेक प्रैक्टिकल। जब आप थाने में रहेंगे आपका जो ऑफिशियल नंबर है 24/7 हैज टू बी ऑन। आप बच नहीं सकते क्योंकि आप ऐसे जब नहीं, आपके लिए फोन लग्जरी नहीं है, आपको के लिए फोन नेसेसिटी है। सो क्या करना होगा इसलिए सो इसी लाइक ए डॉक्टर। Doctor has to be with the patient with the disease. इसलिए डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा? Has to take precautions, glove, mask, different type of layers after layer, tests and whatnot. Unless doctor takes care of what disease, instead of treating others, doctor will become a patient. हो जाएगा नहीं होगा? और मैं देख रहा हूँ ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स are affected with the telephones. Because ये आदत बन गया। So I will suggest very clear, जब आपका ड्यूटी नहीं है आपका ऑफिशियल फोन थोड़ा दूर से रखिए। कम से कम हम बता दें 6 फुट के आसपास फोन नहीं रहना चाहिए एज ए रूल। आज सोने से पहले 1 घंटा पहले लगभग डोंट यूज फोन। एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफिसर्स नेवर यूज फोन एज अलार्म। वो गलत है क्योंकि जब फोन अलार्म बन गया क्या होगा? पिलो का नीचे हा नानी वो गलत है। एक अलार्म ले बजने दो एंड इफ यू कैनॉट आई सजेस्ट यू स्मॉल ट्रिक। इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप स्पेशली you can use some oil like tea based
शीशे में ऑयल, तिल का जो तेल है ना, वो तेल को ऑन योर फीट यू कैन अप्लाई एनी तिल बेस्ट ऑयल। जब आप अप्लाई करेंगे क्या होगा कि वो ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब हीट है, एंड वंस इट ऑब्जर्व्स योर माइंड विल कम एंड डेफिनेटली यू विल गेट बेटर। बिकॉज टू बिकम ए हेल्दी पर्सन और टू रिमेन ए हेल्दी पर्सन यू नीड टू स्लीप प्रॉपर। स्लीप गड़बड़ होगा सब कुछ गड़बड़ होगा। तो इसीलिए पहले फोन से थोड़ा दूरता रखिए मानसिक रूप से, एंड आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट ऑल ऑफ यू इन द नाइट अनलेस यू आर इन ड्यूटी डोंट कीप एनी फोन इन योर रूम, लेट इट बी ड्रॉइंग रूम। I'm sure with this you'll be able to handle. Second question was how to focus on study. मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटा ट्रिक, इसी के साथ समाप्त करेंगे। चाहे actually our breathing moves in three ways, let us say. कभी कभी बाएं में, कभी कभी दाएं में, कभी कभी बीच में। हाँ ना नहीं, कभी कभी सोचा इसी बारे में? कैन यू चेक विन हुच नस्ट्री मूव्स नाउ? चेक कीजिए कौन सा नस्ट्री में जाता है ज्यादा। जी मतलब है कि मान लीजिए मैं जब यूज करता हूं कौन सा कंफर्टेबल है, सो हुच नस्ट्री इज कंफर्टेबल दैट मीन्स ब्रीथिंग इज प्रीडोमिनेंटली इन दैट नस्ट्री, करेक्ट। और कभी कभी मुझे पता नहीं चलेगा ये है, दो बार करेंगे तो तीन बार करेंगे, मतलब इट इज इन बोथ द नस्ट्री, ठीक है। हम बताते हैं इट टेक्स अराउंड 48 मिनट्स टू चेंज द ब्रीदिंग पैटर्न। एक नस्ट्री से दूसरा नस्ट्री को आने के लिए लगभग 48 मिनट लगता है, लगभग। In general, whenever your breathing is in right nostril, right में ही तो mind sharp है, कुछ करने के लिए चाहता है, active है। जब left में ही सोने का time है, mind कुछ काम नहीं करता है, इसलिए coffee का जरूरत है, ठीक है, चाय का जरूरत है। लेकिन जब left से right जाता है और right से left आता है almost half an hour stays in between, और in between time पढ़ने के लिए सबसे अच्छा time है। Any creative things you want to do, study, memorize, anything, कोई बीच का time है। ये naturally होता है, लेकिन आप प्राणायाम करेंगे तो नाड़ी शुद्ध करेंगे, जब भी चाहे right को left आ सकते हैं, ले आ सकते हैं, left को लेफ्ट से राइट को ले आ सकते हैं और बीच में भी रख सकते हैं। प्लीज फॉलो दिस, थैंक यू। मैं स्वामी जी की लास्ट लाइन से शुरू करता हूं। एक्नॉलेज योर पेशेंस। एज वी नो एवरीवन हैज पेशेंस, हम सभी की अपनी इंपेशेंस होती है, तो जिस दिन हमें उसका एहसास हो जाए
केवल एक्नॉलेज ही नहीं करना है, फिर उसके हिसाब से आप एक्ट करो। अब मुझे याद नहीं है कि ये बुक किसकी है, मैंने बुक स्टूडेंट लाइफ में तो याद था मुझे। अब हम लोग धीरे धीरे काफ़ी पुराने हो गए स्टूडेंट लाइफ से। यू कांट प्लीज एवरीवन। आप लोग बताएं किसको पढ़ी, कोई बताए? शायद जहाँ तक मुझे याद हो रहा है सर्च करिए, शायद नानी पालकी वाला की। नानी का पालकी वाला का नाम तो सबने सुना होगा। यू कांट प्लीज एवरीवन। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, और सबको खुश करने की कोशिश में अपने को ही खुश करना भूल जाते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, यू कांट प्लीज एवरीवन। आपकी लिमिटेशन नहीं है, आप सबको खुश करते हैं। फिलॉसफी में हम पढ़ते थे, प्रकृति में ना अनावश्यकता है और ना पुनरावृत्ति, दो चीजें हुई। कोई भी चीज है उसकी जरूरत है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसकी आवश्यकता ना हो। तो इस फैक्ट को आपको हमेशा लाइफ में स्वीकार करके रखना होगा कि मेरे साथ अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है उसकी जरूरत है, कोई भी चीज अनावश्यक है। हो सकता है कोई चीज हमें पूरी है तत्काल, उससे हम परेशान होते हैं, कठिनाई महसूस होती है, बहुत परेशान होते हैं। लेकिन फ्यूचर में आप जब समय बीतने के बाद आपको लगेगा कि वो जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था उसकी जरूरत थी, उसकी अगर वैसा नहीं हुआ होता तो शायद मैं उससे भी ज्यादा कठिन हुआ। ये आपको हमेशा थोड़ा बहुत राहत देगा। पुनरावृत्ति नहीं है, इसका क्या मतलब है? प्रकृति में पुनरावृत्ति नहीं है, इसका मतलब है कि कोई भी दो चीज एक जैसी नहीं होती। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, चाहे हम अपनी पोजिशन को लेकर कंपेयर करें, अपनी ब्यूटी को लेकर कंपेयर करें, बहुत सारी चीजें हम हर चीज को कंपेयर करते हैं। तो आपको इस फैक्ट को स्वीकार करना होगा कि जब कोई चीज दो चीजें एक जैसी हो ही नहीं सकती तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। हमेशा कुछ ना कोई डिफरेंस होगा, उसको ही स्वीकार करना होगा। और एक बहुत लाइन जो मुझे हमेशा अच्छा देखती है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आप कुछ कहें। ऑलवेज काउंट व्हाट यू हैव। आगे की लाइन कोई बताएगा? एंड नेवर काउंट व्हाट यू डोंट हैव। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, इसका ठीक उल्टा करते हैं। वी नेवर काउंट व्हाट वी हैव एंड वी ऑलवेज काउंट व्हाट वी डोंट हैव। लेकिन आपको अगर जीवन को खुश रहना है, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। अभी धीरे धीरे एहसास हो, जैसे जैसे आप उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे एहसास हो, आपकी लाइफ का जो गोल है, लाइफ का जो पर्पज है वो है हैप्पीनेस। लेकिन उस हैप्पीनेस के बजाय हम सब कुछ चाहते हैं और हैप्पीनेस हमसे दूर होती है। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी ओर से, और मैं अपने ट्रेनिंग ऑफिस को इन्वाइट करता हूँ कि यहाँ करके स्वामी होते हैं। तरही न कोई चाहे बिरंज संकर सम होई,
शिव जी जैसा प्रलय करने का सामर्थ्य हो और ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि बनाने का सामर्थ्य हो, मगर गुरु की कृपा के बिना आदमी संसार सागर से नहीं तर सकता। एट पीटीसी एक्सटेंड आवर हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू स्वामी आनंद सरस्वती जी फॉर टेकिंग अप टाइम फॉर एजुकेटिंग आवर कैंडिडेट्स एट अकेडमी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट इन करेंट टाइम्स इज अ चैलेंजिंग प्रोफेशन and we have been humbled by the efforts of Swamiji and his revered institution, Vidya Vahini Trust. We also extend our gratitude to RBIG sir, Shri Dhanapal sir, Shri Bhupendra Singh Jangpani, Joint Director BTC, to Srimati Nirmala Rana ji, Shri Yashdeep Srivastav sir, and Shri Dharmendra Arya sir for the management of the lecture. Thank you so much. At the end of this special event, I will invite the director sir for presenting to Murmunto for today's distinguished personality, Swamiji.